सस्त्रियाकाल जय बुल। मैं दैवत पंड्या ट्रैक टॉक का होस्ट है ना आपका दोस्त, वापस आ गया हूं एक नया टॉपिक के साथ जो अक्सर हमारे पास लोग पूछते रहते। एग्जैक्टली कि भाई हम लोग यहां पे तो जा रहे हैं लेकिन क्या क्या लेके जाए, ऐसी कौन सी चीज हम लेके जाए ताकि हमें ट्रैक के ऊपर कुछ भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बस तो इसी को जो है वो सिंपलाइज करने के लिए मैं आ गया। कोई टेंशन मत लो, बहुत तो भाई ट्रैक के ऊपर जाने से पहले क्या क्या लेके जाना चाहिए, कैसी बैग लेके जानी चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए, वाटर बॉटल कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, आराम से सब कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। तो सबसे पहले जितने दिन के लिए आप जा रहे हो ना उसके डिवाइड बाय 2 कपड़े लेके जाओ। जैसे अगर आप लोग जा रहे हो 4 दिन के ट्रैक के लिए तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स क्लोथ्स लेके जाओ, ठीक है। इसके अंदर याद रहे जीन्स की पैंट बिल्कुल मत रखो, ऐसे कपड़े लेके जाओ कि जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे। दूसरी चीज सनस्क्रीन, जब भी ट्रैक के ऊपर जाओगे ना स्किन की 1, 2, 3, 4 सब कुछ, कोई टोनिंग बोनिंग बीच में नहीं आएगी, वो सीधा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ही बिगड़ेगी। थर्ड थिंग आएगा वो है वाटर बॉटल, जब भी कभी भी जाओ वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाओ, और हाँ ग्रुप के अंदर एक वाटर बॉटल नहीं चलेगी। फिर आएगा रक्सेक बैग। अब रक्सेक बैग कौन सी ली जाए, यार मेरे पास मम्मी की पड़ी है, मैं ट्रॉली बैग लेके जाऊंगा, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। रक्सेक बैग लेके जाओगे तो ही जो है वो आप अपनी पूरी की पूरी ट्रिप, पूरा का पूरा ट्रैक एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि वो जो है वैसे आपके स्कूल बैग की तरह रहेगा और कॉलेज बैग की तरह रहेगा, प्लस थोड़ा सा कूल भी लगेगा, और जब भी आपको कुछ भी डालना हो उसके अंदर बहुत ईजी है, बस खोला डाल दिया। अभी बात आएगी एग्जैक्टली कैप की। जब भी जाओ कैप लेके जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा जैसे आप लोग अपहिल क्लाइंब करोगे तो सन जो है वो सामने से होगा तो सीधी जो है वो आपके आंखों के अंदर सनरेज आ सकते हैं, तो इसके कारण जो है वो कैप चाहिए, और उसके साथ साथ गॉगल्स भी, और वो भी जो है वो यूवी प्रोटेक्ट। एग्जैक्टली। अब दूसरा क्या आएगा, सॉक्स। सॉक्स कितने पैर लेके जाने चाहिए, जितने दिन का ट्रैक उतने सॉक्स, जैसे 10 दिन का ट्रैक है तो 10 सॉक्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत बदबू आती है, जैसे कि आप अगर टेंट के अंदर वो निकालोगे ना बहुत ही बेकार बदबू आने लगेगी। इसके लिए हर रोज सॉक्स जो है वो चेंज करते रखो, और अगर कहीं पे बहुत ठंडे इलाके के अंदर अगर जा रहे हो तो वहां पे क्या करो कि सबसे पहले विक्स, अदरवाइज कोई भी ऐसे बाम हो, इवन मॉइस्चराइजर भी चलेगा, तो वो भी जो है वो लगा के उसके बाद जो है वो सॉक्स पहन लेना, ताकि आपकी स्किन इन्फेक्शन ना हो, और जैसे ही सॉक्स निकालो तो वो जो है वो अपना जो पैर है वो रुई से पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, डेटॉल या फिर कुछ भी एंटीसेप्टिक हो उसे साफ कर लो। अभी बात आई है तो मोबाइल, मोबाइल के साथ साथ एग्जैक्टली वो पावर बैंक, फिर उसका चार्जर, कैमरा लेके जा रहे हो तो पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ जाओ। अब दूसरा मेडिकल किट, और अपनी दवाइयाँ जो है वो लेना मत भूलना, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर जो यूजुअल नॉर्मल दवाइयाँ होती है जैसे वॉमिटिंग है, बुखार है, वो सारी की सारी दवाइयाँ तो मिलती है, लेकिन आपको अगर बीपी की बीमारी है वो कैसे मिल पाएगी। दूसरा अगर आपको जो अस्थमा है तो ट्रैक के ऊपर मत जाना, वो जो है वो थोड़ा सा एडवाइजेबल नहीं है, राइट। अभी रुको यार, थक गया। एग्जैक्टली ये थकान ना लगे ना, इसके लिए जो अपने साथ एक एनर्जी ड्रिंक की बॉटल लेके जाना, हाँ वो कुछ भी नहीं करती लेकिन आपको जो है वो थोड़ी सी मेंटल एनर्जी दे देती है। अभी बात आएगी कपूर, कैम्फर। जब भी ऐसा लगे कि सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, हाँ यहाँ पे कपूर बांध देना और ऐसा करके सांस लेते रहना। हो गया? अरे रुक रुक रुक, एक चीज बता नहीं रह गई। जैसे ही आपका मन हो कि ट्रैक के ऊपर जाना है तो सबसे पहली चीज शूज ले लो। शूज भी वैसे वैसे नहीं कि कोई भी चल जाएंगे, नहीं,
जब भी ट्रैकिंग के ऊपर जाने का मन हो सबसे पहले हाइकिंग शूज ले लो जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जो वाटरप्रूफ हो, प्लस हाई एंकल हो। अगर आप लोग स्नो के अंदर जा रहे हो तो हाई एंकल शूज और गेटर ये मस्ट है। इसके साथ साथ हैंड ग्लव्स, क्योंकि अगर ये सेफ है ना तो आप सेफ हो, अगर ये सेफ नहीं है तो आप सेफ बिल्कुल भी नहीं हो, सीधे जो है दूसरे ही दिन बीमार बन जाओ। प्लस अगर आपको स्पेक्स है तो 2 से 3 पेयर्स ऑफ स्पेक्स लेके जाओ। इसके साथ साथ अगर आप जो है वो इतनी इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट अ रेगुलर ट्रैकर, देन आपको जो है हाइकिंग स्टिक की जरूरत पड़ेगी, और वो मेरे ख्याल से जो बनारा कंपनी की जो है बहुत अच्छी आती है, यू शुड गो फॉर इट। और प्लस अब बारी आएगी हेड टॉर्च की, अदरवाइज वो नॉर्मल टॉर्च की। अभी ये दोनों इसके लिए ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को अगर रात के अंदर कहीं पे भी इर्द गिर्द घूमना हो ना, ये बहुत नेसेसरी है। प्लस आएगा लाइटर, अगर आप कहीं पे भी घूम गए और कैंप फायर जलाने का मन हुआ तो। एग्जैक्टली, लाइटर बहुत जरूरी है। और अब बारी आई वुलन क्लोथ्स की, तो वुलन क्लोथ्स के अंदर बात ऐसी है, आपको जो अच्छा लगे वो नहीं लेना, जो गर्म हो ना वो लेके जाना। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत कूल लग रहा हूं, नहीं, लाल पीले नीले जैकेट्स पहन के मत आ जाना, जो आपके ऊपर सूट करे, प्लस मेन चीज आपको गर्म रखे वो लेके आ। और प्लस थर्मल जो है वो 2 पैर लेके जाना, ताकि क्या होगा कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि बहुत ठंडा है मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, तो वो 2 पैर पहन लो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग इज दैट कि न्यूज़पेपर हमेशा अपने साथ रखो, हमेशा न्यूज़पेपर एंड टिश्यू पेपर, ताकि क्या होगा कि आपको कहीं पर भी कुछ भी करना, इवन हाँ वॉशरूम जाने का भी मन हुआ तो न्यूज़पेपर काम में आएगा, ठंडा लगा तो भी जो है वो न्यूज़पेपर जो है बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, वो भी काम में आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो बस ऐसे ही मजेदार वीडियोस और आपके सवालों के साथ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे ट्रैक टॉक के अंदर। तब तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो।